बच्चों, आज मैं समास व्याकरण बताने जा रही हूँ। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, संग्रह, मिश्रण आदि। अब परिभाषा जाने। व्याकरणिक दृष्टि से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद या समासिक शब्द किसको कहते हैं? तो समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें। रसोई के लिए घर, शब्द समूह में रसोई पूर्व पद, घर उत्तर पद तथा रसोई घर समस्त पद या समासिक शब्द कहलाते हैं। अब समास विग्रह कैसे किया जाता है ये समझे। यदि रसोई के सभी पदों, रसोई घर के सभी पदों को पुनः अलग अलग करें, जैसे रसोई के लिए घर, तो यह प्रक्रिया समास विग्रह होगी। समास विग्रह करते समय विभक्ति का, यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु समस्त पद में वह लोप हो जाता है। समास के भेद, अब कितने समास के भेद हैं? तो मुख्यतः समास के चार भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद समास। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इस आधार पर समास के छह भेद होते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद पहला पद गौण होता है। समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। इस समास में समस्त पद करते समय कारकों की विभक्तियों को में से के लिए का, की, के, में, पर का लोप हो जाता है, इसलिए लुप्त यानी गायब हुई विभक्ति के कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाए वह कर्म तत्पुरुष कहलाता है। जैसे समस्त पद और विग्रह के आधार पर जाने, स्वर्ग प्राप्त समस्त पद है और इसको विग्रह किए तो स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। कट फोरवा, काठ को फोड़ने वाला। पॉकेट मार, यानी पॉकेट यानी जेब को मारने यानी काटने वाला। दूसरा है करण तत्पुरुष, जिस समास के पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप हो जाए उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण से समझे। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। रेखांकित, रेखा से अंकित। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा दिया गया। अब आइए तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष, जिस समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाए उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला, के लिए ये विभक्ति चिन्ह। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी।
विधान सभा, विधान के लिए सभा। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। देवालय, देव के लिए आलय। चौथा है अपादान तत्पुरुष। कहा गया है जिस समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाए उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण से समझे, शक्तिहीन तो शक्ति से हीन, भयभीत भय से भीत, जन्मांध जन्म से अंधा, पाप मुक्त पाप से मुक्त। अब पांचवा तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्तियों यानी का की के का लोप हो जाता है वहां संबंध तत्पुरुष होता है। उदाहरण से समझे, प्रजापति यानी प्रजा का पति, राजकुमारी राजा की कुमारी, दीना नाथ दीनों के नाथ, राष्ट्रपति राष्ट्र का पति। छठा तत्पुरुष है अधिकरण तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्तियों का मतलब विभक्तियों में पर का लोप हो जाता है वहां अधिकरण कारक तत्पुरुष समास होता है। जैसे दान वीर दान में वीर, आप बीती आप पढ़ बीती, कुल श्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ, आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास। अब तत्पुरुष समास के उपभेद के बारे में जाने। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, एक है कर्मधारय समास दूसरा द्विगु समास। तो सबसे पहले कर्मधारय समास को जाने। जिस समास में पूर्व पद यानी पहले पद तथा उत्तर पद दूसरे पद में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे स्वर्ण कमल, स्वर्ण जैसा है जो कमल, स्वर्ण मतलब विशेषण कमल विशेष। यह पहला पद विशेषण है तथा दूसरा पद विशेष। नरोत्तम, नरो में उत्तम है जो, यानी नर विशेषण उत्तम विशेष। मृग नयन, मृग जैसे नयन, मृग उपमान नयन उपमेय। पहला पद उपमान है तथा दूसरा पद उपमेय। उपमेय किसको कहते हैं ये जानिए। जिसकी तुलना की जाए या समानता दिखाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान किसको कहते हैं, जिस वस्तु या प्राणी से तुलना की जाए या समानता दिखाया जाए उसे उपमान कहते हैं। अब चलिए कर्मधारय समास के कुछ अन्य उदाहरण से समझें। पीतांबर, तो पीतांबर यानी पीत यानी पीला है जो अंबर, पीत विशेषण अंबर विशेष बन गया पीतांबर। उसी तरह जानिए महाराजा, महान है जो राजा, तो महा विशेषण राजा विशेष बना महाराजा। उसी तरह चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख उपमेय चंद्रमा उपमान बन गया चंद्रमुख। विद्या धन, विद्या रूपी धन, तो विद्या उपमेय धन उपमान बना विद्या धन। अब हम लोग चले द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और समूह का बोध कराए वह द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण से समझे, द्विगु दो गांवों का समाहार, सप्ताह सात दिनों का समाहार, नवरत्न नौ रत्नों का समूह, पंजाब
पांच आबों का समाहार, पंचवटी पंच बटों का समूह, चवन्नी चार आनों का समूह। आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।